देश की प्रथम आदिवासी योग्य राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण था। हम उम्मीद करते थे कि वो संवैधानिक और संसदीय मर्यादा का ध्यान रखेंगे, लेकिन आज उन्होंने जिस बेशर्मी से आरोप लगाए हैं बेबुनियाद, तो आज राहुल गांधी और उनके परिवार की सच्चाई भ्रष्टाचार में बताना जरूरी है, और यही बताने के लिए हम आए हैं। जितने उन्हें आरोप लगाए सब गलत हैं, चाहे वो श्रीलंका के बारे में हो चाहे भारत के बारे में हो, सब कुछ नियमों और प्रक्रिया के अनुसार किया गया और कई प्रदेशों में भी हुआ। लेकिन राहुल गांधी जी, आज मुझे थोड़ा आपके मेमोरी को करप्शन के बावरे में रिवाइव करने की आवश्यकता है। आप बेल पर हैं, आपकी माताजी बेल पर हैं, आपके बहनोई बेल पर हैं, और आपकी बहन को एक जेल गए बैंकर ने करोड़ों में एक तस्वीर बेची थी, सच्चाई है कि नहीं? राहुल गांधी जी इसका जवाब दीजिए। तो अब जरा मैं आपसे एक पूछूं कि नेशनल हेराल्ड स्कैंडल क्या है कि 90 करोड़ के लोन को राइट ऑफ कर दिया गया और नेशनल हेराल्ड ऐसे पुराने वेल नोन न्यूज़पेपर जो उसका पब्लिकेशन बंद था वो सारे शेयर आपके पास आ गए और उसके माध्यम से पूरी संपत्ति, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़, क्या मुंबई, हजारों करोड़ की संपत्ति आपके और आपकी माताजी के पास आ गई। आप हाईकोर्ट गए थे ना क्वाशिंग के लिए, असफल हो गए। आज आप ट्रायल फेस करने वाले हैं, आप है राहुल गांधी बेल पर। यह सिर्फ नेशनल हेराल्ड का मामला नहीं है, एक राजीव गांधी ट्रस्ट भी है अमेठी में जहां 1.5 बीघे से ऊपर जमीन ली गई, कुछ काम नहीं हुआ, आज उसको भी योगी जी की सरकार ने रिकवर किया। बाकी अगस्ता वेस्टर्न घोटाला क्या है राहुल जी, आप याद करिए 2013 में अगस्ता वेस्टलैंड से कमीशन लेने का आरोप था कि 12 हेलीकॉप्टर खरीदने में 360 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात आई थी। वो भी तो ट्रायल हुआ, इटली में भी गया मामला, उसको कंफर्म किया गया। ये जो आपके पिताजी के नाम पर ट्रस्ट चलता है राजीव गांधी ट्रस्ट, उसमें आपको चीन से पैसा मिला, चीन के एम्बेसी ने भी दिया, चीन की सरकार ने भी दिया, और आपको उसी से संतोष नहीं मिला तो नीरव चौकसी ने भी दिया और जाकिर नायक से भी पैसा मिला आपके ट्रस्ट को। बाकी राणा कपूर ने भी ट्रस्ट में पैसा भेजा, जो खुद जेल में है यस बैंक के। तो जहां से पैसा मिले ट्रस्ट में ले लो भ्रष्ट तरीके से, राहुल गांधी ये है आपका आचरण और आपके परिवार के संस्कार। अब जरा वाड्रा साहब की बात कर लें, आपके बहनोई हैं, जीजा जी, ये शब्द मैं प्रयोग नहीं करता लेकिन आज मुझे पीड़ा से करना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे ईमानदार नेता के ऊपर जिस तरह से शर्मनाक आरोप लगाए गए, तो आज राहुल गांधी के परिवार की सच्चाई बताना जरूरी है। अभी मैं बता रहा हूं ये वाटर डीएलएफ घोटाला में क्या हुआ, कैसे 65 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया आपको डीएलएफ से और जमीन भी मिल गई, और आपने अपनी महंगी जमीन जो ली थी सस्ती जमीन लिया और महंगे पर उनको बेच दिया। और बीकानेर में जमीन घोटाला हुआ, 1400 बीघा जमीन जाली नाम से खरीदी गई, उसमें 275 बीघा रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के लोगों ने जाली तरीके से खरीदा, उसमें एफआईआर लगा हुआ है। कोयला घोटाला 2012, आदर्श घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इन सभी घोटालों को उजागर करने में थोड़ी हम लोग की भूमिका रही है पार्टी में विरोध विपक्ष के रूप में, और इस सबका ट्रायल चला है। 70,000 करोड़ कॉमनवेल्थ का, आदर्श घोटाला जो सेना के लिए आरक्षित जमीन थी उसमें कौन कौन फायदे में आए, सुशील कुमार शिंदे, विलास राव देशमुख, अशोक चौहान कांग्रेस के नेता। कोयला घोटाला में तो साहब मत पूछिए, 1,86,000 करोड़ का घोटाला था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये भी आपने देखा कैसे लाइसेंस जारी किए गए पिक एंड चूज पर, और देश में कितनी बड़ी संपत्ति का लॉस हुआ ये भी आप जानते हैं, 1,96,000 करोड़ का घोटाला था। बोफोर्स घोटाला, इसमें तो आपके पिताजी पर ही आरोप है राहुल गांधी जी,
और एक सज्जन थे कोतरोकी साहब, मामा जी कहते थे उनको, उनको भगाने में कितना काम किया गया। आज हम जानबूझकर इन चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पिछले कई वर्षों में कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा और आपके परिवार का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचार लोगों को संरक्षण देना। आप लोगों को एक परेशानी हो रही है, आज जब भारत में चीजें बनती हैं, आज भारत में सेना का आयुध बनते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, अब चिप मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, तो आपको परेशानी होती है। बहुत कारण स्वाभाविक है, आपकी पूरी सरकार डील और कमीशन में चलती थी, और अगर डील नहीं हुई तो राफेल को भी इतना लेट किया गया, भले वायुसेना की मारक क्षमता कमजोर हो रही है। द होल इकोसिस्टम ऑफ कांग्रेस पार्टी इज बेस्ड अपॉन द ट्विन करप्ट पिलर्स ऑफ डील एंड कमीशन। तो आजकल कमीशन बंद हो गया है, इसलिए आपको परेशानी है। विजय माल्या को किसने बढ़ाया, उनको लोन पर लोन किसने दिया, और नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के इवेंट्स में कौन जाया करता, राहुल गांधी जी आप तो जाया करते थे ना, आज तो कई फोटो आपके बारे में भी आ रही है, चलिए देखिए, कोई कार्रवाई नहीं की गई। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ बोलती नहीं है, ईमानदारी से करके दिखाती है। कानून के अनुसार आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा बैंक अकाउंट में 23,00,000 करोड़ 8 साल में भेजे गए और 2,23,000 करोड़ बचाए गए जो बिचौलिए खा जाया करते थे। आज कांग्रेस की सरकार में आपके पिताजी ने कहा था कि 1 रुपये दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, आज पूरे पैसे पहुंचते राहुल गांधी, इसलिए आपके लोगों को परेशानी है। आज टैक्स चोरों से करोड़ों की रिकवरी हो रही है, आज भागे हुए भगोड़ों को हिंदुस्तान में लाने का कार्रवाई हो रही है, चाहे वो मेहुल चौकसी हो या बाकी सब हो, और सट्टेबाज संजीव चावला का प्रत्यर्पण हुआ, बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल यूए से आए, इंडोनेशिया से पकड़ा गया भगोड़ा कारोबारी विनय मित्तल ये भी वापस आया, बहरून से भगोया भगड़ा भगोड़ा आर्थिक घोटालेबाज मोहम्मद याया वापस आया, तो ये सब सबके सामने है। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हमने कानून को भी सख्त किया है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ऑर्डिनेंस लाया, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक्रप्सी कोड लाया, हम लोगों ने पूरे बेनामी लेन देन अधिनियम बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट को भी और मजबूत किया, और बाकी और कई कानून को अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर भी प्रिवेंशन का कानून लाया। तो हमने कानून से भ्रष्टाचार को रोका, निर्णय प्रक्रिया ईमानदारी से की, और जो भगोड़े थे उनको वापस लाया और लाएंगे। और राहुल गांधी आपसे क्या उम्मीद करें, आप तो खुद ही आरोपी थे भ्रष्टाचार में परिवार के साथ, तो ये आपका रिकॉर्ड है, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते थे कुछ तथ्यों पर बोलेंगे। आज भी वही हवाबाजी लफबाजी और बेबुनियाद आरोप, और जब पूछा गया कानून के द्वारा कि आप उनको ऑथेंटिकेट करिए, मैं करूंगा, उन्हें ऑथेंटिकेट भी नहीं किया, न कोई रिकॉर्ड पेश किया। तो भारत के नरेंद्र मोदी ऐसे ईमानदार नेता के खिलाफ ये बेबुनियाद आरोप, तो मैं एक ही कहूंगा राहुल गांधी, आप थोड़ा सबक से अनुभव से सीखते क्यों नहीं है, 19 में चौकीदार कहा था ना, कहां चले गए आप, अब फिर आप कुछ खुराफात कर रहे हैं, तो 24 में आपको जनता और प्रभावी रूप से जवाब देगी। धन्यवाद। रविशंकर जी, आपने स्पीकर जी आपने कहा था कि सारी चीजें रिकॉर्ड से हटा दी जाए क्योंकि तथ्यों के साथ पेश नहीं किया गया, तो क्या ऑन रिकॉर्ड आप लोग मांग करेंगे लोकसभा अध्यक्ष से? देखिए, हम उन्हें हाउस में कहा है, बाकी संसदीय कार्य मंत्री देखेंगे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर की धारा 353 में स्पष्ट है कि कोई आरोप आप लगाते हैं या इनक्रिमिनेटिंग भी आरोप लगाते हैं तो आपको बकायदे उसकी नोटिस देनी पड़ेगी और संबंधित डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो आपने वो कुछ तो किया नहीं है, आपने पूरा भाषण देखा है, सुना है। थैंक यू।